हल्ला जोर धनंजय सिंह वगैरह का जो रहा है सभी को पता है। धनंजय सिंह को लोग बाहुबली कहते हैं। कोई बाहुबली नहीं यार, जिसके पास वोट है। कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आपको लगता है ईवीएम में आना का घपला हो सकता है? हो नहीं सकता। प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा है और उनको तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, अगर पार्टी की बात की जाए, आप इसी पार्टी का समर्थन करेंगे किसी अन्य पार्टी का? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं ये हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है मल्ले में। आपको बता दें कि मल्ले में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित आज विशाल जनसभा होने जा रहा है, जो कि आपको बता दें उसके मुख्य आयोजक हैं जिया लाल प्रजापति जी। और आपको बता दें हमारे बीच में अभी कार्यक्रम जस्ट कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा और मल्ले के लाल गोरखलाल यादव जी द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जितने भी हमारे पूर्वांचल की अवधि गायिकाएं हैं उनका भी आगमन हो चुका है। बहुत जल्द आप लोग को वीडियो के माध्यम से सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जौनपुर के भागीदार पार्टी से जो आए हुए हैं, आप लोग से आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनका भारी से भारी मतों से आप लोग विजय बनाएंगे, और आप सभी के लिए इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत और वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और इसी के उपलक्ष्य में और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमको इस मंच पे लाए समझे और हमको बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको, तहे दिल से उनके प्रणाम करती हूँ। इनवाइट किए थे गोरख भैया ने, वहीं आए। संध्या जी आप भी आए हुए, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, जो इस लायक समझे और इस मंच पे बुलाएं, बहुत अच्छा लगा है। प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा है और उनको तहे दिल से धन्यवाद। और क्या कुछ आप स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से धमाल मचाएंगे? गीत गाए थे और सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। इंदु जी आज आप आई हैं भागीदारी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार करने के लिए समर्थक में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल के माध्यम से। जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था तो हम आए हैं, और मैं क्या बताऊँ कि यहाँ आप भी आए हैं, बहुत खुशी मिली। और तमाम दीदी लोग आई हैं, भैया लोग आए हैं, यहाँ जिया लाल प्रजापति के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं और हम लोग का गीत लगातार गाते रहेंगे और आप लोग सुनते रहिए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, अगर पार्टी की बात की जाए, आप इसी पार्टी का समर्थन करेंगे किसी अन्य पार्टी का? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं ये क्या बोलूं कि हम, देखिए पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में जहाँ हम लोग को समारोह में बुलाया जाएगा हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोग चलिए अभी देखते हैं क्या कुछ होगा आपका, और भी कुछ भाभी है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। क्या नाम हुआ? अमित्या यादव मेरा नाम। आज आप भागीदारी पार्टी में उपस्थिति हुई है, आप इसी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे किसी और पार्टी की तरफ से हैं? नहीं, हम वैसे आए हुए हैं। यहाँ पे कार्यक्रम जो भी रखा गया कलाकारों के दौरान, उस कार्यक्रम को लेकर आप लोग अपने कार्यक्रम को करेंगे या भागीदारी पार्टी का प्रचार करेंगे? बहुत
क्या नाम हुआ आपका? रीना तिवारी। अच्छा, आप लोग आज आए हैं भागीदारी पार्टी से प्रचार करने के लिए या फिर अपना प्रोग्राम करने के लिए? वही जो प्रोग्राम में बुलाया गया है। और मैं चाहूंगा कि आपको विजयी बनाने के लिए पाकिस्तान के आया हूं, मैं चाहूंगा कि आप भारी से भारी मतों से विजयी बने और हम लोग माला पहनाए आपको कैसे बता दे, मुख्य अतिथि प्रेमचंद जी का आगमन हो चुका है, देख रहे हैं किस तरीके से उनके समर्थकों द्वारा उनको इस मंच पे ले आया जा रहा है। और तिहत्तर लोकसभा के उम्मीदवार जियालाल प्रजापति जी उनके साथ हैं और उनका काफिला इस वक्त आप लोगों के बीच में पहुंच चुका है। और महेश प्रजापति के नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रेमचंद भैया जिंदाबाद। और ये देखिए, ये काफिला आते हुए नजर दिखाई दे रहा होगा आप लोग का, और इनके समर्थक देख सकते हैं किस तरीके से इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके साथ ही तिहत्तर लोकसभा के उम्मीदवार जी भैया प्रेमचंद जी का आगमन हो रहा है और स्वागत में। देखिए प्रेमचंद जी आप लोग के बीच में नजर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपका सर हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो है कि अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कुमार यादव जी की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत ज़्यादा चूक हो रही है। देखिए अभी आपके जौनपुर में मैं 2 महीने पहले आया था, यहाँ डबल मर्डर हुआ था खेतासराय में। प्रजापति समाज का 2 सगे भाइयों का डबल मर्डर हुआ था। और जब मैं यहाँ जगह आया, यहाँ से निकला, आधा किलोमीटर आगे गया था तो मुझे खुद मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ से निकलते ही आधे घंटे के बाद मैंने इलाहाबाद पहुंचकर थाने में FIR दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि जो ये धमकी दिया गया गोली मारने के लिए वो कौन लोग थे। तो जिस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था चरमराई हुई है, ये बहुत ही जो है निंदनीय है।
हम लोग इस तरह की घटना का विरोध करते हैं और जहां भी जाति जुल्म अत्याचार होगा भागीदारी पार्टी के नेता वहां जगह मैदान में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अभी क्या 73 लोकसभा के उम्मीदवार और कितने यहाँ गए की जनता के बीच में पैर बना सकते हैं लोकसभा के चुनाव में? देखिए भागीदारी पार्टी के पूरे इस लोकसभा में 73 लोकसभा जौनपुर में जी, हर विधानसभा में विधानसभा वाइज भागीदारी पार्टी की लहर है जी, जी। और ये कार्यक्रम हम लोग चुनावी जन चौपाल लगा रहे हैं जी, जी। कि जैसे ये विधानसभा है आपकी मलहनी है जी। तो मलहनी का कार्यक्रम मलहनी के पदाधिकारी मलहनी में, बगल की विधानसभा मान लो दूसरी है तो वहाँ के पदाधिकारी, सारे लोगों को एक जगह नहीं इकट्ठा कर रहे हैं जी। इस तरह से हमारा डोर टू डोर चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन या एनडीए से कितना लड़ेगा ये भागीदारी पार्टी? इंडिया का तो हवा निकल गया, इंडिया में कुछ नहीं है एनडीए। और एनडीए का मामला ये है कि ईवीएम का खेला है और देश में झमेला है जी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। घपला हो सकता है? हो नहीं सकता, हो रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीनरी जितनी भी है उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या आपको इसलिए किसी गठबंधन से ऑफर आया था? देखिए ऑफर तो वोट हमारे पास है। अब आप ये देखो अभी कांग्रेस का कार्यक्रम लग जाए तो कांग्रेस के पास तो 100 लोग भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग तो जहां जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तो बेवजह का उत्तर प्रदेश में लोग घूम रहे हैं। मतलब कांग्रेस उत्तर प्रदेश से डूब चुकी है, खत्म है, एकदम खत्म, एकदम खत्म है। आप कांग्रेस भी खत्म है, समाजवादी पार्टी भी खत्म है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप खत्म है, समाजवादी पार्टी खत्म है, कुछ नहीं है। चुनाव में बीजेपी क्या मुद्दा रहेंगे? देखिए भागीदारी पार्टी इस देश और प्रदेश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। जहाँ डीएम कलेक्टर मंत्री सांसद का बेटा पढ़ेगा वही मजदूर और किसान का भी बेटा पढ़ेगा। हम लोग जो सामाजिक न्याय समिति है जो ठंडे बस्ते में भाजपा ने दबा के रखा है उसकी भी मांग कर रहे हैं कि उसको ऊपर लाओ। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आज गरीब मजदूर का बेटा MBBS नहीं बन सकता। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये चाहिए, 1.25 करोड़ रुपये चाहिए। इसलिए भागीदारी पार्टी ये मांग करती है कि जो कॉमर्शियल डिग्रियाँ हैं उसको फ्री किया जाए, उसमें कोई फीस न लिया जाए, जिससे गरीब और मजदूर का भी बेटा आगे बढ़ सके। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो है कि गरीब परिवार के और जो ऊपर के हैं हाई क्लास के लोग हैं वो सब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, तो कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा रद्द हुई है कहीं ना कहीं जो है हाई क्लास के लोगों का उसमें हाथ है? देखिए मैं तो इस जब ये परीक्षा हो रही तो उसके एक हफ्ते पहले मेरा बयान आया था, सुना होगा। मैंने कहा कि इसमें जो है भारी घपला होने जा रहा है, कुछ हम लोगों को आशंका लगा था और वो बात सही हुई। 60,254 पदों पर जिस तरह से ये सरकार ने किया, समीक्षा अधिकारियों की वैकेंसी निकली उसका भी पर्चा लीक हो गया। ये सरकार रोजगार देगी? ये देखो बाबा जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो अनुरोध करूंगा कि वो चले जाते मठ में अपने और हमको बना देते मुख्यमंत्री, हम एकदम बिल्कुल मजबूती से। भर्ती बोर्ड अरुणका मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है, इसमें आप अरुणका मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक के ऊपर पुलिस के बारे में उनका मामला है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच का मामला है। क्या भागीदारी अगर आती है लोकसभा के चुनाव में तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? 100% गारंटी के साथ इसमें ये गारंटी हम कैसे रोजगार मिलेगा? ये गारंटी हम कैसे लेंगे? बच्चे गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? एक ही बेंच पे पढ़ेंगे। जब आंदोलन होगा, लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होंगे तो क्यों नहीं होगा? इस देश में सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। अकेले बाबा साहब ने सबको हक अधिकार दिलाया कि नहीं दिलाया? तो हम लोग क्यों नहीं? बीजेपी कहती है हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है, क्या लगता है धरातल पे ये नहीं है? बीजेपी के लोग मलहनी में कुछ कहेंगे, इलाहाबाद में चले जाएंगे कुछ कहेंगे, शाहगंज में चले जाएंगे तो कुछ कहेंगे। उन लोगों का कोई वो नहीं है, अब उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन भागीदारी पार्टी के सिपाही अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल मैदान में। 2024 में चुनाव में होने वाले क्या माहौल लगता है आपको? बीजेपी 2024 में जौनपुर में आपको क्या लगता है? देखिए 2024 में जब वो क्या कहते हैं उसको, बक्सा कहते हैं, अब तो मशीन आ गई है। अब मशीन में अगर खेला बंद हो गया, अच्छा मशीन का जो EBM का जो झमेला है अगर वो बंद हो गया तो भागीदारी पार्टी जौनपुर नहीं उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में
मजबूती से मैदान में है। इससे पहले केजरीवाल ने भी उठाया था कि ईवीएम से खेल होता है। केजरीवाल एक आईआईटी के स्टूडेंट हैं, और टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें रखी जाती कि ईवीएम में खेल हो जाता है? देखिए केजरीवाल का क्या है, मैं भी दिल्ली में वकालत करता हूँ, केजरीवाल को मैं आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से जानता हूँ। वो इनकम टैक्स में एक चूहा नहीं मार सके। चूहा समझते हो ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक छोटा सा चूहा नहीं पकड़ पाए। ये तो अन्ना हजारे जी को हम लोग बधाई देते हैं कि चूहा को दो चार चूहा पैदा कर दिए। और आपने देखा कि कुछ चूहे बेचारे अंदर घूम रहे हैं जेल के अंदर, ईडी ने उनको मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो केजरीवाल जी का कोई मैजिक नहीं है उत्तर प्रदेश में, भागीदारी पार्टी का मैजिक है। राहुल गांधी जिस प्रकार पांच प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की, रोजगार की, किसानों की, हक की बात, तमाम प्रकार के कहें कि पांच प्रकारों न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले, ये यात्रा कितना सफल होगा आपके? देखिए राहुल गांधी का क्या है, पहले उनको ये सीखना चाहिए कि देश के अंदर कितने प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, खेती में क्या क्या होता, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, उनके साथ तो कुछ टीम चल रही है, कुछ मीडिया मैनेज है तो उनका चल रहा है, उनके पास तो चुनाव लड़ ले, मैं कहता हूँ यहीं जौनपुर से चुनाव लड़ ले तो जमानत जब्त हो जाएगी। ईवीएम पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अगर से क्या उनको आपकी पार्टी जो है पीडीएफ फार्मूलों को विपक्ष में जो है ये फार्मूला जो है अखिलेश यादव का, उसको क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, पीडीए उन्होंने एक नाम दिया है, पीडीए की बात कर रहे हैं, चट्टी चौराहों पे चौपाल लगा रहे हैं, चाहे पीडीए कितना असरदार हो सकता है लोकसभा चुनाव। अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक चुकी है जी, जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को गोलमोल किया समाजवादी पार्टी ने, 17 जातियों का 25 साल पहले उन्होंने 17 जातियों को कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाकर इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 25 साल से पाल को, नाई को, ये जितनी भी उपेक्षित जातियां हैं 17 जातियां, उनको धोखा दिया। आज तक वो 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिला पाए और उनकी जमीन खिसक चुकी है। गिने चुने लोग समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं, और ये जो बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा। एक आध जगह खाता खुल जाए तो समझ लो लोग लोकसभा में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा जी। देखिए आप 73 लोकसभा में आए हुए हैं, जहाँ कई बार समाजवादी पार्टी यहाँ परचम लहरा चुके, भाजपा भी 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके, क्या इस बार ये भागीदारी पार्टी कितना असरदार इस बार भागीदारी पार्टी सबका समीकरण फेल कर देगी। और सुन लीजिए, मैं यहाँ मल्हनी में बोल के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का खाता इस लोकसभा के चुनाव में खुलने वाला नहीं है। धनंजय सिंह अभी हाल ही में वो जेल गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है, उनकी पत्नी सपा से लड़ने वाली है, क्या तब पर भी नहीं खाता खुलेगा? जिसकी जैसी रही भावना, आगे क्या कहते हैं वो आगे नहीं बोलूँगा मैं। देखिए होता क्या है कि जनता को ज़्यादा दिन तक लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। धनंजय सिंह वगैरह का जो रहा है सभी को पता है। धनंजय सिंह को लोग बाहुबली कहते हैं। कोई बाहुबली नहीं यार, जिसके पास वोट है वो बाहुबली है, काहे के बाहुबली है बताओ। उन्हें गरीबों का मसीहा, प्रजापति समाज को लेकर चलते हैं क्या, प्रजापति के लोग आप कितना सक्रिय रहे? देखिए भागीदारी पार्टी जितनी भी उपेक्षित जातियाँ हैं सबकी बात करती है, ऐसा नहीं कि हम प्रजापति हैं तो प्रजापति की ही बात करेगा। आप बताओ पाल की भागीदारी नहीं चाहिए, विश्वकर्मा की भागीदारी नहीं चाहिए, नाई की भागीदारी नहीं चाहिए, ये भी तो जातियां हैं ना, जो उपेक्षित जातियां हैं। भागीदारी पार्टी सबकी बात करती है, समता मूलक समाज की बात करती है, समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। आप जियालाल प्रजापति जी, आपने प्रजापति के अलावा किस और जातियों को आपने टिकट दिया अपनी पार्टी में? अरे भाई मेरी पार्टी में आप मिर्जापुर चले जाइए, देखिए पासी समाज से ललकारे हुए हैं तो हमने तो सबको उसमें, आप समझ लीजिए कि 7-8 जातियों का लोगों का प्रतिनिधित्व है पार्टी में, वो सब लोग लड़ रहे हैं। भागीदारी पार्टी का क्या मकसद है कि चुनाव लड़ना, क्या मकसद है? मैंने बताया ना, किस मकसद से? समता मूलक समाज की स्थापना करना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। हाँ। नौजवानों को रोजगार दिलाना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। आपकी सरकार बनती है आप कितना ज्यादा रोजगार दिलाएंगे नौजवानों को? मैंने कहा अभी बोला तो 100% आप ईवीएम पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यही बगल में जो है कि आजमगढ़ लोकसभा चुनाव, लोकसभा में पिछली बार जो है कि पूरी समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा बनाया, तो ईवीएम पे कितना घोटाला है? ईवीएम का झमेला है, समाजवादी पार्टी फिर आजमगढ़ से कैसे ही चुनाव जीती अगर से ईवीएम पे इतना बड़ा घोटाला होता तो? भाई अच्छा ये बताओ, 80 सीट जीता था, दूठे गड़बड़ करे हैं कि दूठे सपा वाले ले लेने, नहीं तो आंदोलन हो जाए। चले।
जगत जननी की जय जय करे बोल सच्चे दरबार की। और यही कह रहे हैं अरे अहिले भैया मोरिया नन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाइन आपके लिए कहना चाहे अरे अहिले भैया मोरी नगरिया अरे अहिले भैया मोरी नगरिया आज ये देखिए ये खुश नसीबों में ये हार मिलते हैं कि कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले कि कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। और ये गोरख यादव बिखरा हुआ गुलाब था महेश चंद्रा भैया आपकी रोशनी से पहले आपकी रोशनी से पहले। अब महेश भैया सोच रहे हो गोरख तो हाथ मिला लिया है कहाँ तक लेके जाएगा। और कहते से कि महेश भैया जी के आप गरीबों के मसीहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में कदम से कदम मिलाते हैं और राष्ट्रीय महासचिव प्रीति प्रकाश अग्रणी के भैया जी हमारे यहाँ कहने से हैं प्रीति भैया जी तब के बतनिया नहीं के चिताई तिहा तब की तब के बतनिया पिरना के चिताई तिहा संसद बनाई तिहा तब की तब के बतनिया भैया के अब हमारे जिलाध्यक्ष जी सोच रहे होंगे कि अब लगत बा हमारो नंबर आए क्या हल्ला जोर भाई बा चारी ओर भाई बा हल्ला जोर भाई बा चारी ओर भाई बा हल्ला जी के हल्ला बड़ी जोर भाई हल्ला जोर भाई बा चारी ओर भाई बा हमरे अंदर जी के चलता चारी ओर लखनऊ से जब चला नगरिया लखनऊ से हल्ला जोर भैया चारी ओर भैया जी के चर्चा बड़ी जोर भैया हो लखनऊ
से जब चल रही गोरिया, लखनऊ से जब चल रही गोरिया, जीती है भैया दीदार। थोड़ा सा नीचे थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा नीचे से जो फोटो और वीडियो बन रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है और हमारी विशिष्ट अतिथि माननीय महेश।